हमीरपुर में INIFD एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्किल की ओर से विग्योर शो का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 10 मई को बसंत रिजॉर्ट में किया जाएगा। शो के दौरान जहां संस्थान की छात्राओं की साल भर की मेहनत रैंप पर प्रस्तुत की जाएगी, तो वहीं इस अवसर पर मेरा भोला है भंडारी फेम बाबा हंसराज रघुवंशी अपनी गायकी का जादू भी बिखेरेंगे। हमीरपुर में INIFD एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्किल की ओर से विग्योर शो का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 10 मई को बसंत रिजॉर्ट में किया जाएगा। विग्योर शो के दौरान जहां संस्थान की छात्राओं की साल भर की मेहनत को रैंप पर प्रस्तुत किया जाएगा, तो वहीं इस अवसर पर मेरा भोला है भंडारी फेम बाबा हंसराज रघुवंशी भी अपनी गायकी का जादू बिखेरेंगे। शो की जानकारी देते हुए संस्थान प्रबंधक सुकुतला शर्मा ने बताया कि शो के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और शो के दौरान छात्रों के द्वारा बनाए गए परिधानों को स्टेज पर प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शो में मेरा भोला है भंडारी फेम बाबा हंसराज रघुवंशी भी अपनी गायकी का जादू बिखेरेंगे। 10 तारीख को हमारा एनुअल फैशन शो होने जा रहा है, जो हर साल होता है। इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी को शो किया जाता है। जो पूरा साल भर काम करते हैं, वो बच्चे अपनी ड्रेसेस मॉडल्स को पहना के रैंप पे चढ़वाते हैं। हमारी मॉडल्स बॉम्बे से आ रही हैं, जो कि लखनऊ फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक में फैशन शो करती हैं। ये हमारे सारे राउंड थीम बेस्ड होंगे, जो कि जैसे म्यूज स्टडी है और रेड कारपेट है, हिमाचली राउंड है, फिर नॉन टेक्सटाइल है। इस टाइप के हमारे राउंड हैं जो कि थीम बेस्ड हैं। बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो अपने बच्चे, हमारे बच्चे फिर रैंप पे ड्रेसेस को उतारते हैं। यही हमारा फंक्शन का उद्देश्य होता है कि बच्चे अपनी ड्रेसेस, बनाई हुई ड्रेसेस को रैंप पे ले आएं और एग्जिबिट करें और उनको एक्सपोजर मिले, और ड्रेसेस की फोरकास्टिंग भी करते हैं कि आने वाला फैशन क्या है, क्या कलर चलेंगे, क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा, तो ये फोरकास्टिंग भी करते हैं हमारे बच्चे। और इसमें हमारे टीचर्स ने और बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई होती है पूरा साल भर, जो कि रैंप पे दर्शाई जाती है। मैम, ये कार्यक्रम कहाँ होगा? ये कार्यक्रम बसंत रिजॉर्ट में होगा, जो कि 10 तारीख को होगा। इसमें हमारे चीफ गेस्ट बाबा रघुवंशी रॉय जी आ रहे हैं, जो कि एक सिंगर हैं। हमारी जोरों शोरों से तैयारी चली है, ड्रेसों का काम बहुत जोरों शोरों से चला है, ताकि हम अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकें। यही हमारे फंक्शन का मेन उद्देश्य है। वहीं शो की तैयारियों में जुटी छात्राओं ने बताया कि शो के लिए काफी उत्सुक हैं और शो में अपनी बेहतर प्रस्तुतियां देने के लिए तैयारी कर रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और सभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पूरी ड्रेसेस का, मतलब उनको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करें सब कुछ, मतलब हमारा शो बहुत अच्छा जाए उसके लिए सभी मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत तैयारियां कर रहे हैं। क्या मेरा तो ऐसे, मैं मॉडलिंग भी करूँगी उसमें और बाकी जो हेल्प वगैरह होगी उसमें वो भी करूँगी मैं। आपने कुछ स्पेशल डिस्प्ले कोई नहीं, जो हमने साल भर जो ड्रेसेस बनाई है बस वो ही किया हुआ है अभी तो। आप बताएंगे कैसी तैयारी है आपके कार्यक्रम? बहुत अच्छी तैयारी है, मैं अपना एक सिंगल राउंड भी दे रही हूँ ड्रेसेस का और काफ़ी एक्साइटमेंट है मुझे अपने राउंड देने की, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म किसी को भी नहीं मिलता और मुझे फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना राउंड देने के लिए। बहुत बड़ी हिंट दी है मेरे टीचर्स ने, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया राउंड के लिए। बस आर्टिस्ट भी आ रहे हैं बाहर से, तुमसे मिलना चाह रहे होंगे? हाँ जी, बहुत एक्साइटमेंट टू हंसराज। हंसराज जो है वो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे वो हंसराज रघुवंशी आ रहे हैं, उनके सॉन्ग वगैरह बहुत ज़्यादा सुने, बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनका ही बस वेट कर रहे हैं कि कब एनुअल फंक्शन और कब हम उसे इंजॉय करें पूरा। बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, सारे स्टूडेंट एक्साइटेड है कि एनुअल फैशन शो हो रहा है, जिसमें हमारा खुद के राउंड भी जाते हैं और मैं अपना इंडिविजुअल राउंड दे रही हूँ, जो कि वाटरफॉलिंग है, जो कि मोटिवेट करेगा और जो कि हमारा मेन गोल है कि जो पब्लिक है उसके लिए
कि वो मोटिवेट हो हमारे राउंड से. और जो नेचर है हमारा मेन नेचर के थ्रू ही है वाटर फॉलिंग. और हमारा मेन मोटो ये है कि सारे सेव करें, जैसे कि सेव नेचर सेव वाटर. जैसे कि पॉल्यूट करते हैं हम नेचर की चीज़ों को जो कि नहीं करनी चाहिए, तो उस पर हमारा हमने अपना इंडिविजुअल राउंड तैयार किया है, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं. कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद.